तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरेलल और सीरीज कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे पैरेलल और सीरीज कनेक्शन। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर दो स्पीकर का बॉक्स है हमारे पास और यहाँ पर इसका कनेक्शन करेंगे हम। पैरेलल और कनेक्शन कैसे किया जाता है तो वो सारा चीज हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, इम्पीडेंस कितना बनेगा, ओम्स कितना बनेगा, वो भी मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। बाद बाकी बैकग्राउंड थोड़ा सा अभी फिलहाल नहीं है रेडी और अभी घर में काम चल रहा है। अगर घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आपको काफी अच्छा स्टूडियो भी यहाँ पर बनने वाला है और काफी अच्छी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो अलग अभी बन रहा है फिलहाल, वो आप ब्लॉग चैनल में जाकर के देख लेना। डीजे अभी ब्लॉग्स में मैं डालने की कोशिश करूंगा कि अभी क्या क्या काम चल रहा है। तो चलिए फिलहाल अभी हम बात करेंगे टॉपिक के ऊपर कि हम इसको पैरेलल और सीरीज में कैसे कनेक्शन करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर स्पीकर आप देख सकते हैं, स्पीकर अभी फिलहाल आपके पास कोई भी स्पीकर है, आपको पहले चेक करना है कि कौन सा, मतलब ओम्स वाले स्पीकर है। तो ये 8 ओम्स का स्पीकर है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये 8 ओम्स का स्पीकर है और यहाँ पर 8 ओम्स का स्पीकर है। तो इसको हम अगर पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन कैसे करेंगे, फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाइए थोड़ा सा। तो ये है इसका माइनस और ये है इसका प्लस। तो माइनस और प्लस आपको देख लेना है। तो दोनों स्पीकर में फिलहाल हमने वायर लगा रखा है, थोड़ा सा दूर में दिखाइए। तो ये आप देख सकते हैं, ये है प्लस जिसमें कि रेड वायर लगा हुआ है और इसमें ब्लैक यहाँ पर हमने टैपिंग कर दिया है। तो ये ब्लैक है मतलब माइनस है। तो इसको कनेक्शन कैसे करेंगे, ये है दो स्पीकर, अंदर का कनेक्शन कैसे होगा वो हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसको पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो पैरेलल कनेक्शन करने में हमें करना है, जैसे ये ब्लैक है और ये ब्लैक है तो इसको यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे और ये आपका प्लस है और ये भी प्लस है तो इसको यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है ज्वाइंट होने के बाद पैरेलल कनेक्शन होता है और हमारे पास जो एम्पलीफायर से वायर आएगा, एम्पलीफायर से वायर आने के बाद जो कि आप देख सकते हैं ऐसा होगा, तो एम्पलीफायर वाला वायर हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये प्लस का प्लस में लगाएंगे और माइनस वाला माइनस में लगाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से लगा लेंगे, देन आपका जो है कंप्लीट हो जाता है पैरेलल कनेक्शन कुछ इस प्रकार से, मतलब प्लस में प्लस रहेगा, माइनस में माइनस रहेगा, कुछ इस प्रकार से आपका कनेक्शन होगा। और ये आपका 4 ओम्स के ऊपर बनेगा, मतलब 4 ओम्स का ये लोड बन जाता है, 8 ओम्स और 8 ओम्स का स्पीकर आपका रहेगा, 4 ओम्स के ऊपर बनेगा। दूसरा ओम्स का मतलब 16 ओम्स का स्पीकर रहेगा तो पैरेलल कनेक्शन में 8 ओम्स का बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से ओम्स जो है आपका काम करता है। और वहीं अगर हम इसको सीरीज कनेक्शन करना चाहते हैं तो सीरीज कनेक्शन हम कैसे करेंगे, सीरीज कनेक्शन करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको कनेक्शन कैसे करना है और आपका ओम्स कैसे बनता है, लोड मैचिंग कैसे होगा। तो आपके एम्पलीफायर के हिसाब से आप अपना कनेक्शन कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं हम इसको सीरीज कनेक्शन करना चाहते हैं तो सीरीज में क्या करेंगे, इसका एक स्पीकर का ब्लैक लेंगे मतलब माइनस लेंगे और दूसरा स्पीकर का प्लस लेंगे। तो ये प्लस और माइनस को हम यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हो जाता है प्लस और माइनस का ज्वाइंट, मतलब इसका प्लस लेंगे और इसका माइनस लेंगे तो ये हो जाता है। और दूसरे स्पीकर का बचेगा आपका प्लस, पॉजिटिव वायर बचेगा, प्लस बचेगा और दूसरा स्पीकर का माइनस बचेगा। दिख रहा है दोनों स्पीकर, हाँ तो दोनों स्पीकर दिखना चाहिए। और यहाँ पर इसका माइनस बच जाता है, इसका प्लस बच जाता है, मतलब एक स्पीकर का ब्लैक यहाँ पर हमारा बच रहा है जो कि माइनस आता है, दूसरा स्पीकर का प्लस बच जाता है। अब इसका कनेक्शन होगा डायरेक्ट एम्पलीफायर में, जैसे कि यहाँ पर एम्पलीफायर से हम वायर लेंगे तो इसको प्लस में प्लस लगाएंगे कुछ इस प्रकार से लगाएंगे और माइनस में माइनस लगाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका सीरीज कनेक्शन हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो फिलहाल यहां पर माइनस आप देख सकते हैं और इसका प्लस। तो इसका माइनस और इसका प्लस मतलब एक स्पीकर का माइनस एक स्पीकर का प्लस यहां पर हमने ज्वाइन कर रखा है, जो कि आप टेपिंग के सहारे देख सकते हैं कि आपको कनेक्शन कैसे करना होता है। और वहीं दूसरे तरफ जो है हमारा दूसरा स्पीकर का बच जाता है प्लस मतलब पॉजिटिव, तो ये हम एम्पलीफायर के प्लस में देंगे, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं ये प्लस, और इसको काफ़ी अच्छे से टैपिंग कर लेंगे। यहाँ पर दूसरा स्पीकर का बच जाता है माइनस पॉइंट, तो ये एम्पलीफायर के माइनस में चला जाएगा।
तो फिलहाल ये जो वायर रहेगा हमारा डायरेक्ट हम इसको एम्पलीफायर में दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि हम एचएफ को कहाँ पर लगाएंगे, तो एचएफ को हमें इसमें लगाना है, जैसे कि इसमें प्लस लगा देंगे, एचएफ का जो आपका क्रॉसवर नेटवर्क प्लेट होगा उसको हम यहाँ पर प्लस यहाँ पर लगा देंगे और इसमें माइनस लगा देंगे, तो कुछ इस प्रकार से हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस प्रकार से हम पैरेलल और सीरीज का कनेक्शन करेंगे जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसका ओम्स जो है वो अलग अलग टाइप से बनता है, अगर आपके पास 8 ओम्स का स्पीकर, 2 स्पीकर है और इसको पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो आपका जो ओम्स बनेगा वो 4 ओम्स के और बनेगा। अगर हम इसको 8 ओम्स का स्पीकर है और 2 स्पीकर को अगर हम सीरीज करते हैं तो डायरेक्ट डबल हो जाता है, मतलब 16 ओम्स का एक टॉप बन जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका ओम्स काम करता है, और अपने एम्पलीफायर में जैसे आपको ओम्स सेटिंग करना है लोड के हिसाब से, जैसे आपका एम्पलीफायर कितना वाट दे रहा है, मतलब कितना वोल्टेज आपका एम्पलीफायर दे रहा है आउटपुट 8 ओम्स, 4 ओम्स, 2 ओम्स के ऊपर, तो उस हिसाब से अपना ओम्स बना सकते हैं और आप एम्पलीफायर में लोड दे सकते हैं, और मैचिंग से लोड डालेंगे तो काफी अच्छा स्पीकर भी चलेगा और आपका स्पीकर डैमेज नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही था, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।